हर एक किस्से के अपने अपने पहलू होते हैं और इन्हीं सारे अलग अलग एंगल्स और पहलू को हम आपके सामने लेकर आते हैं। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और आज हम एक ऐसे ही किस्से का दूसरा पहलू लेकर आए हैं। कल आपके सामने हमने पेश किया था कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस पूरे सबसे बड़े सिक्योरिटी एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया था और किस तरह से जंगलों में घुसकर उन्होंने 29 नक्सल्स को एलिमिनेट किया था। अपने आप का सबसे बड़ा ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में माना जाता है इसे, लेकिन हमारे पास एक आई विटनेस भी है जो हमारी खुद की टीम छत्तीसगढ़ तक के कांकेर के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर है गौरव श्रीवास्तव। वो कल गए थे और बहुत मुश्किल से रात को ट्रैवल कर कम से कम ऑलमोस्ट 12 घंटे पूरे कर स्पॉट पर पहुंच पाए थे, यानी कि स्पॉट इतना अंदर था कि वहां तक पहुंचना भी अपने आप में नामुमकिन था, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ तक की टीम ने, गौरव श्रीवास्तव ने ये चीज अचीव की और वो स्पॉट तक पहुंच पाए जहां पे ये घटना हुई थी। और इसी के आज हम अलग अलग पहलू को समझने की कोशिश करेंगे कि जो बातें की जा रही हैं वो कितनी सच है और किस तरह से मुसीबतों का सामना करना पड़ा गौरव श्रीवास्तव को वहां तक पहुंचने के लिए और क्या क्या उन्होंने अपनी आंखों से वहां पर देखा। गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ तक पर। आप किस तरह से, जब मुझे याद है ये पूरा इंसिडेंट हुआ, आपका फोन आया और आपने कहा कि मैं स्पॉट पे निकल रहा हूँ, आप स्पॉट पे निकले, लेकिन आप कितने बजे एग्जैक्टली स्पॉट पर निकले और कितने बजे तक पहुंच पाए, किस तरह से कितने साधन बदल बदल के आप स्पॉट पर पहुंच पाए, ये जरा बताएं, वहां तक पहुंचने की अपनी एक कहानी बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जब हमें दोपहर लगभग 3 बजे सूचना मिली कि एक इनकाउंटर चल रहा है पुलिस और नक्सलियों के बीच में, उस दौरान खबर ये मिली थी कि इस मुठभेड़ में जो 2 जवान हैं बीएसएफ के और जिला बल के, वो जवान घायल हो गए हैं। जिसके पश्चात हम तुरंत हमने इस खबर को उठाया और जब हमारी एसपी से बात हुई तो उन्होंने भी यही बताया कि हमारे 2 जवान अभी इंजर्ड हैं, ज्यादा डिटेल हमारे पास अभी नहीं है क्योंकि संपर्क नहीं हो पा रहा था, बहुत ही अंदर का इलाका है जहाँ मोबाइल के नेटवर्क नहीं रहते हैं तो उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। तकरीबन 1 घंटे के बाद ये खबर निकल कर आई कि बड़ी संख्या में जो माओवादी हैं वो मारे गए हैं। इसके बाद हम भी काफी एक्टिव हुए क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में माओवादी कभी भी पूरे छत्तीसगढ़ में, क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में इतनी बड़ी संख्या में माओवादी कभी नहीं मारे गए थे। पहले ये आंकड़ा 12 का था, फिर 18 का हुआ, उसके बाद शाम होते होते तक हमें ये पता चला कि 29 माओवादी मारे गए हैं। जिसके बाद हमने भी ये निर्णय लिया कि क्यों ना इस स्पॉट पर तुरंत रवाना हुआ जाए। रात तकरीबन 11:30 बज रहे थे जब हम कांकेर से निकले और हम रात तकरीबन 2:30 के आसपास हम पखांजूर पहुंचे। पखांजूर से लगभग 30 किलोमीटर की दूर पे वो थाना क्षेत्र है छोटे बेटिया, जहां से हमें अंदर उस इलाके में जाना था जहां पर ये पूरा इनकाउंटर हुआ था। रात को सुबह तकरीबन 4:30 हम पखांजूर से निकले हैं और 6 बजे के आसपास हम वो जो नदी है कोटरी नदी, जिसका जो दूसरा छोर है उसे अबुजमाड़ कहा जाता है और ये कहा जाता है कि ये जो इलाका है एक अलग दुनिया है। क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र नहीं चलता है, यहाँ पर नक्सलियों की सरकार चलती है, नक्सलियों की जनताना सरकार चलती है। उस नदी को पार करने के बाद तकरीबन 30 किलोमीटर का सफर हमें बाइक से सफर तय करना पड़ा। उसके बाद शुरू हुई असली कहानी जब हमें पता चला कि हमें यहाँ से पहाड़ चढ़ना है क्योंकि ये जो मुठभेड़ हुई थी वो पहाड़ पे हुई थी। दक्षिण बस्तर में जब आपको इनकाउंटर सुनती होंगी सुमी जी, तो आपको ये चीज समझ में आती होगी कि वहाँ के जो जंगल है वो मैदानी जंगल है, लेकिन उत्तर बस्तर के जो जंगल है वो पहाड़ी जंगल है, इसलिए नक्सलियों के लिए ज्यादा सेफ रहते हैं। जब भी कोई बड़ा इनकाउंटर दक्षिण बस्तर में होता है तो वहाँ के जो माओवादी हैं वो पनाह लेते हैं इन्हीं जंगलों में आकर। ऐसे में इस तरह के जो जंगल हैं वहाँ पर जवानों का पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। पुलिस को पक्की सूचना थी कि यहाँ पर बड़ी संख्या में माओवादियों का डेरा है क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव है, तो कुछ बड़ी प्लानिंग माओवादी कर रहे थे। इस हिसाब से 1 दिन पहले 15 तारीख को पुलिस के जो जवान है पूरी प्लानिंग के साथ रवाना हुए थे। रात को जो पुलिस के जवान है वो नक्सलियों के कोर इलाके में, जहां आज से 10 साल पहले फोर्स घुसती भी नहीं थी, उस इलाके में पूरे जवानों ने, तकरीबन 200 जवान थे बीएसएफ के, डीआरजी के, बस्तर बटालियन के, ये रात वहां रुके और सुबह इन्होंने जो पहाड़ की चढ़ाई शुरू की। तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर चढ़ने के बाद जब जवानों का नक्सलियों से सामना हुआ, उसके बाद वहां तकरीबन 4 घंटे तक भीषण एनकाउंटर चला है। हम जब वहां पर पहुंचे हमें भी वही उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि एक्चुअल हमें ये नहीं पता था कि हमें चढ़ना किस पहाड़ पर है, वहाँ बहुत सारी पहाड़ियां हैं। उस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उन्होंने साफ तौर पे हमसे ये कह दिया था कि हमें इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो हमसे ये भी कह रहे थे कि आप भी यहाँ से लौट जाइए, ये आपके लिए ही बेहतर होगा। लेकिन एक हमें उम्मीद थी कि हम ग्राउंड जीरो पहुंचेंगे क्योंकि हम जिस काम के लिए निकले थे वो हमें करना था। तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर पहाड़ की चढ़ाई करके जब हम पहुंचे तब हमने वहां पर देखा कि काफी मात्रा में खून के धब्बे वहां पर फैले हुए थे। ये बात है कि वो माओवादियों के खून थे और क्योंकि बड़ी संख्या में मारे गए हैं। शंकर राव जो मारा गया है उसकी पत्नी भी मारी गई है और शंकर राव जो है वो नक्सल था जो इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं, जो युवा हैं, उनका माइंड वॉश करने का काम करता था ताकि वो संगठन से जुड़े। ऐसे में ऐसे माओवादी का मारा जाना पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है।
ये जो 29 माओवादी मारे गए हैं इसमें अधिकांश जो माओवादी हैं वो इनामी नक्सली हैं। मतलब अब ये समझिए कि शंकर राव पर 25 लाख का इनाम था, ललिता पे 25 लाख का इनाम था, इसके साथ ही बहुत से माओवादी ऐसे हैं जिन पर 8 लाख का 5 लाख का इनाम घोषित था। इतने बड़े माओवादी अगर एक जगह जमा है इसका साफ मतलब था कि कोई बहुत बड़ी प्लानिंग वहां पर चल रही थी, और यही वजह है कि पुलिस ने भी पूरी गंभीरता से इस मामले को लिया। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि उस पहाड़ पर चढ़कर इनकाउंटर करना बहुत बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए, क्योंकि नक्सल ऊपर थे, पुलिस के जवान नीचे थे, और गर्मी का समय है, ऊपर से जब आसानी से जो पुलिस के जवान है वो नक्सलियों को दिख सकते थे। यही कारण था कि चारों तरफ से जवानों ने जो है नक्सलियों को घेरा, चार अलग अलग टुकड़ों में जवान बटे थे, और जब एक पार्टी से इनकाउंटर शुरू हुआ सारे जवान सचेत हुए और नक्सलियों को पूरे गोल घेरे में घेर कर ये इनकाउंटर किया गया है। बेहद ही कठिन चुनौती थी उन पहाड़ियों तक पहुंचना, क्योंकि ऐसे पहाड़, ऐसे सूखे जंगल, गर्मी के मौसम में जहाँ टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री के आसपास टेम्परेचर, और काफ़ी मुश्किलों का सामना हमें वहाँ तक पहुँचने में करना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि हम जो चाह रहे थे कि जो स्पॉट तक पहुँचना वहाँ तक हम पहुँच पाए। तकरीबन आप समझिए, सुमीजिए कि हम सुबह 4:30 बजे निकले हैं बखानजूर से। बखानजूर से निकलने के बाद तकरीबन हम 8 से 9 घंटे उन जंगलों में रहे हैं जहाँ पर जाने से हमें मना किया जा रहा था, कि जो वहाँ के ग्रामीण थे उन्होंने भी मना किया था कि आप यहाँ मत रुकिए, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन उम्मीद थी कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे, और हम पहुँचे भी, और बहुत से मीडिया के लोग वहाँ पर थे। यही ये वजह भी हो सकती है कि ग्रामीण थोड़ा घबरा गए होंगे, क्योंकि उस तरफ ना कभी प्रशासन पहुँचा है, ना कभी पुलिस पहुँचती है, ना ही कोई दूसरे लोग उस तरफ पहुँचते हैं। उधर के जो लोग हैं उनके तरफ कोई भी तकलीफ हो तो उसका जो हल है वो नक्सल्स करते हैं। ऐसे में उस इलाके में जाकर इतना बड़ा इनकाउंटर करना मुझे लगता है कि काबिले तारीफ इसे कहा जाना चाहिए पुलिस के लिए। और परतापुर जो एरिया कमेटी है जो उस क्षेत्र में सक्रिय है, उसका पूरी तरीके से सफाया कर दिया गया है। हो सकता है कुछ नक्सल्स अभी भी बचे हों उस इलाके में, जैसे कि एक बड़ा माओवादी है विजय रेड्डी, विजय रेड्डी की भी वहाँ पे होने की सूचना थी, लेकिन विजय रेड्डी की फिलहाल बॉडी रिकवर नहीं हुई, मतलब वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। मेरा अगला सवाल यही है कि शंकर राव को एलिमिनेट कर दिया गया है, उनकी धर्मपत्नी को एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन अब ऐसे कांकेर में और कितने कमांडोज बचे हुए हैं? क्योंकि कांकेर में ऐसा एक धारणा बन गई थी कि नक्सलवाद को ऑलरेडी थोड़ा सा कॉर्नर कर दिया गया है, कांकेर अब लीस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में गिना जा रहा था, बस्तर में एटलीस्ट। अब आपको क्या लग रहा है कि जो बचे हुए जो लोग हैं, पहली बात तो वो कितने लोग हैं जो बचे हुए हैं, और हथियार जितने मिले हैं उन हथियारों को भी देखकर यह साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पास भी हथियार की अच्छी खासी सप्लाई रहती है हमेशा। AK-47 मिलना, इंसास मिलना और कार्बाइन जैसे हथियारों का मिलना जो यहाँ पर इंडियन मेड नहीं होते हैं, ऐसे सारे हथियार पहुंचते कैसे? ये दो सवाल मेरे अहम है जिसका मैं चाहती हूँ आप मुझे उत्तर दें। देखिए, जहां तक हथियार पहुंचने की बात है तो आज एक और जो बड़ी अपडेट हमें मिली है कि नक्सलियों का जो दक्षिण बस्तर में सप्लाई जोन है, जो नक्सलियों के पास सारे सामान, चाहे वो बंदूक हो, चाहे गोलियां हो, चाहे और गोला बारूद हो, वो सप्लाई जोन जो है वो उत्तर बस्तर जोन ही था जहां ये इनकाउंटर हुआ है। ऐसे में इस जोन पर इतना बड़ा इनकाउंटर जो है नक्सलियों के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन जो है वो भी टूट जाएगी, क्योंकि ये जो इलाका है यहां से जंगल शुरू होते हैं, बस्तर के जंगल यहां से शुरू होते हैं, और यहां से आप चाहे दक्षिण बस्तर हो, नारायणपुर का माड़ इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का इलाका हो, दोनों ही इलाके यहां से लगे हुए हैं। ऐसे में यहां का इतना बड़ा इनकाउंटर जो हुआ है इससे ये इलाका जो है खाली हो गया है। अब नक्सलियों को इस इलाके को भरने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोगों को नक्सल से जोड़ते थे वही मारे गए हैं। और साथ में एक बड़ी बात जो आप पूछ रही थी, मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी कांकेर में कुछ ऐसे नक्सल कमांडर हैं जो काफी एक्टिव हैं और ये काफी खतरनाक भी हैं। एक नक्सल है राजू सलाम जो काफी ज्यादा एक्टिव है कोयलीबेड़ा के इलाके में। एक नक्सली था दर्शन पद्दा, तकरीबन 2 साल पहले इनकाउंटर में वो मारा जा चुका है। अब शंकर राव मारा जा चुका है। विजय रेड्डी एक ऐसा नक्सल है जो अभी भी इस इलाके में सक्रिय है और लोगों का माइंड वॉश करने का काम वो करता है। ऐसे में विजय रेड्डी का पकड़ा जाना या मारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और नक्सली लीडर था बलदेव, जिसे जबलपुर में पुलिस ने पकड़ा है, वो भी इसी क्षेत्र में सक्रिय था। वो अपने इलाज के सिलसिले में जबलपुर गया हुआ था जहां पर वो पकड़ा गया है। कमलेश एक नक्सली है जिसका भी पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। हालांकि कमलेश की लोकेशन काफी लंबे समय से नहीं है, तो हो सकता है कि कमलेश अब यहां से दक्षिण बस्तर की ओर चला गया होगा। ये कुछ ऐसे लीडर हैं, अगर इनका सफाया पुलिस कर देती है तो ये बात बिल्कुल तय है कि कांकेर जिला जो है वो नक्सलवाद से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। किस तरह से रिटेलिएशन की भी तैयारी हो रही है? एक दबी दबी आवाज में ये भी खबर आती है क्योंकि इतना बड़ा TCOC के वक्त इतने बड़े सिक्योरिटी एंटी नक्सल ऑपरेशन को सिक्योरिटी फोर्सेज ने अंजाम दिया है, रिटेलिएशन तो जरूर होगा। किस तरह से तैयारी हो रही होगी, क्योंकि आप लोग लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, जिस तरह से ग्राउंड जीरो का सच आपने आज कांकेर का बताया, ये सच भी जरा बताएं कि किस तरह से तैयारी भी चल रही है और क्या आने वाले कितने दिनों में एक रिटेलिएशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि रिटेलिएशन ऑन द कार्ड तो है, कितने दिनों में एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्या तैयारी चल रही है?
देखिए जितनी बड़ी मुठभेड़ हुई है इसके बाद तो अभी सबसे नक्सली काफी बैकफुट पर हैं और निश्चित तौर पर बदला तो होगा, क्योंकि बदला इनके नियम पे रहता है, चाहे वो नक्सल हो चाहे वो पुलिस हो, ये एक आपस की लड़ाई है, एक युद्ध है। जब आप देखती हैं कि जिस तरीके से नक्सलियों ने पुलिस पर हमला किया था, जब हमारे बड़ी संख्या में जवान शहीद हुए थे, तो जवानों के जो साथी हैं उनके मन में भी ये बात रहती थी कि हम बदला लेंगे हमारे साथियों की मौत का। तो निश्चित तौर पर जो नक्सल और जो उनके लीडर हैं, चाहे अब कांकेर इलाके हो, चाहे वो सुकमा का इलाका हो, चाहे बीजापुर का इलाका हो, जब ये कोई बड़ी प्लानिंग करते हैं तब सारे क्षेत्र के जो बड़े टॉप लीडर्स होते हैं, उनके जो उनकी जो टीम होती है, उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाता है और एक बड़ा प्लान तैयार किया जाता है ताकि एक बड़ा अटैक किया जा सके। और ऐसे स्थिति में तकरीबन 400 से 500 नक्सलियों का एक जगह जमावड़ा होता है और इस क्षेत्र में एक संभव इसलिए हो जाता है क्योंकि पहाड़ी जंगल है, जब ये बारिश का समय आएगा जंगल घने हो जाएंगे तो वहां घुसना काफी असंभव सा हो जाता है। ऐसे में आप ये मानकर चलिए सुमित जी कि तकरीबन 6 से 7 महीने या 1 साल तक तो इस क्षेत्र में शांति रहेगी, क्योंकि बदला लेने की कोशिश वो जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके ट्रेंड कमांडो ट्रेंड उनके लीडर मारे गए हैं, इतना आसान नहीं होगा इतनी बड़ी संख्या को रिकवर कर पाना, क्योंकि 29 जो ये लोग मारे गए हैं ये सारे के सारे मिलिट्री कंपनी के मेंबर थे। मिलिट्री कंपनी का मेंबर मतलब एक समझिए कि पुलिस का जवान जितना ट्रेंड होता है उतने ट्रेंड ये नक्सल्स होते हैं। हाँ। और पूरी तरीके से ट्रेंड होने के बाद ही इन्हें मिलिट्री कंपनी में शामिल किया जाता है। ऐसे में आप समझिए कि नक्सलियों का जो एक हाथ है वो टूट चुका है उत्तर बस्तर में। बदला लेने की जहां तक बात है, मुझे लगता है कोशिश वो जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं, नक्सलियों के दिमाग में भी ये चीज चल रही होगी कि वास्तव में बदला लेने की कोशिश की जाए, या फिर जो ऐसे इलाके हैं जहां पुलिस नहीं पहुंचती है, अबूझमाड़ का इलाका है, और फिलहाल की स्थिति यही कह रही है कि जो बचे हुए नक्सली हैं फिलहाल अबूझमाड़ की ओर रुख कर रहे हैं ताकि जिंदा तो वो रह सकें, अगर जिंदा रहेंगे तो बदला लेने के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल है क्योंकि हमारा राउंड अप जरा सा लंबा हो रहा है आज, ब्रीफली आंसर करें कि किस तरह से एंड ऑफ नक्सलिज्म, नक्सलिज्म का खात्मा, उस चीज की बातें हो रही हैं, और ये जो अटैक हुआ है ये भी उसको उस चीज को, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाता है कि किस तरह से अब तक का सबसे बड़ा अटैक अंजाम दिया गया, एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। एंड ऑफ नक्सलिज्म कितना पॉसिबल है, क्योंकि अगर 29 नक्सल्स को एलिमिनेट किया गया है तो उतने ही नक्सल्स को खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि डेवलपमेंट की बात है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बहुत इंटीरियर में पहुंचना उनके लिए बेहद जरूरी है इसके कोर तक पहुंचने के लिए, वो वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके। आपको क्या लग रहा है एंड ऑफ नक्सलिज्म, जो इतनी पॉलिटिकल बातें हो रही हैं इसके आसपास, ग्राउंड रियलिटी पे कितना सच है और कितना खरा उतरता है? देखिए जो बयानबाजियां हो रही है कि नक्सल जो है वो समाप्ति की ओर है और बहुत जल्द 1 से 2 साल में नक्सलियों का सफाया कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है सुमिति। हाँ। क्योंकि 29 नक्सलियों का मारा जाना वास्तव में एक बड़ा नुकसान है नक्सलियों के लिए, लेकिन इनकी संख्या सिर्फ 30 या 35 या 50 या 100 की नहीं है कि आप इन्हें मारकर खत्म कर देंगे। आपने देखा होगा बीच में सुकमा में विधानसभा चुनाव के दौरान एक ड्रोन वीडियो नक्सलियों का वायरल हुआ था विधानसभा चुनाव की वोटिंग के दिन, कि कितनी बड़ी संख्या में जो नक्सली हैं वो जवानों को घेरते निकले थे, वो तो ड्रोन से नक्सलियों की लोकेशन पुलिस को मिल गई, वरना उस दिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये चीज समझिए कि जब तक विकास अंदरूनी इलाकों तक नहीं पहुंचेगा, जब तक स्कूल्स नहीं खुलेंगे, जब तक वहां पर हॉस्पिटल्स नहीं खुलेंगे, जब तक जो अंदर इलाकों के ग्रामीण हैं उन्हें इस चीज का फील नहीं होगा कि हाँ जो लोग बैठे हैं सत्ता में वो हमारी चिंता कर रहे हैं, वो हमारी देखभाल कर रहे हैं। कल जिस इलाके में हम गए थे हमको एक बूंद पानी तक का नहीं मिल पा रहा था, वो तो हमारी किस्मत ठीक थी कि कुछ बॉटल्स हम लेके साथ अपने साथ चले थे। आपको वहां पर कहीं पर एक पानी का नल नहीं मिलेगा, आपको कहीं पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा, तो ये स्थितियां हैं कि आज भी लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो युवा है वो कैसे ना भटकेंगे, और सबसे बड़ी बात इनके जो लीडर्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, वो इन्हीं सब बातों को मुद्दा बनाकर इनका माइंड वॉश करते हैं और इनके हाथ में हथियार थमा देते हैं। 29 नक्सली अगर मारे गए हैं तो ये बात भी संभव है कि अगर उस क्षेत्र में विकास नहीं पहुंचता है तो फिर जो युवा है उनका माइंड वॉश किया जाएगा और इस 29 की संख्या को भरने में उन्हें समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, हम छत्तीसगढ़ तक पर इसी को डिबंक बार बार कर रहे हैं कि एंड ऑफ नक्सलिज्म जो बार बार बातें होती हैं, ग्राउंड जीरो पे, जैसे कि गौरव श्रीवास्तव ने यह बात साफ कर दी, ग्राउंड जीरो की रियलिटी अलग होती है, सिक्योरिटी फोर्सेस की रियलिटी अलग होती है, सब अपने अपने नैरेटिव्स देते चले जाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर पत्रकार पहुंचकर जो कहानी बयां करते हैं वो अक्सर अलग होती है। तो आज हमने आपको कांकेर के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन का ग्राउंड जीरो का रियलिटी सामने लाए हैं आपके, और कहीं ना कहीं ये भी डिबंक कर रहे हैं कि जिस तरह से ये बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, इसे जरूर सेलिब्रेट करना चाहिए, एक्लेड्स मिलने चाहिए, अचीवमेंट है ये, लेकिन सतर्क भी रहना चाहिए क्योंकि अब एक रिटेलिएशन आएगा जरूर, उसकी तैयारी भी जोरों शोरों से चलेगी, और अगर डेवलपमेंट नहीं पहुंचा तो नक्सलवाद को खत्म करना एक फार फेच ड्रीम है, बहुत ही दूर का एक ऐसा विजन है जिसको अभी अचीव नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भले ही कोई भी दे, कितने भी बड़े बड़े दे, कितने भी बड़े वादे हो, लेकिन ग्राउंड पर जब इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो सिर्फ हमले कर देने से किसी इतने बड़े मूवमेंट का खात्मा होना
नामुमकिन है। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ आज के राउंड अप में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ तक पर। नमस्कार, जय जवाहर।